नमस्कार, प्रकाशक के मंच पर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। शनिवार की शाम हम 5 बजे मिलते हैं आपसे, और ये शाम काव्य गोष्ठी की ये शाम हर बार आयोजित होती है, और इस आयोजन में हमारे साथ होते हैं हमारे वो सभी सहयोगी जो कि हमें साहित्यिक गतिविधियों में बराबर मदद करते रहते हैं। आज भी हमेशा की तरह हमारे साथ हैं न्यूटन सवेरा फोरम, डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य अकेडमी, अद्यतन कला संगम, पॉजिटिव न्यूज नेटवर्क और वाइट इंक एंटरटेनमेंट। हमारे ये सभी सहयोगी हमें साहित्यिक गतिविधियों में मदद करते हैं और हमारे इस रूप में हमारा सहयोग करते हैं। आज की ये शाम काव्य गोष्ठी की, हालांकि हम बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं और बड़ा मुश्किल समय है ये, सभी अपने अपने घरों में हैं और कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, आसपास घट रहा है जो बहुत विचलित करने वाला है, लेकिन इस विचलित करने वाले समय में भी जो साहित्यकार हैं वो अपनी कलम से लगातार मन में एक उत्साह का, जोश का संचार करने के लिए हमारे साथ हैं। और आज ऐसे ही हमारे साथ 3 विभूतियां उपस्थित हैं। हमारे साथ आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार जी, आवाज नहीं आ रही है, मुझे साफ आ रही है, आ रही है मुझे बहुत साफ। आप हैं हमारे साथ आज इस पटल पर मौजूद हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय राजेश राज जी। राजेश राज जी का परिचय देना सूरज को दीपक दिखाने के समान है, लेकिन फिर भी मंच पर हमारे पटल पर हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रदेश में परियोजना अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और अभी भी साहित्यिक गतिविधियों में लगातार लगी हुई हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय श्री वी एस सिरपुरकर के हाथों आपको साहित्य सृजन सम्मान 2007 में मिला है। इसके अलावा विभिन्न प्रदेशों की साहित्यिक संस्थाओं के प्रतिष्ठित सम्मानों में की अगर गिनती की जाए तो इलाहाबादी सम्मान 2014 में, अखिल भारतीय महाकवि सम्मान 2016 में श्री शिवदेव शर्मा पथिक प्रणाम, और त्रिगु संधि साहित्य रत्न सम्मान, शब्द गुरु सम्मान, ऐसे अनेक सम्मानों से आप अलंकृत हुए हैं। कवि लोक गौरव सम्मान, नवाब शहाबादी स्मृति सम्मान, गीता सम्मान जैसे कुछ और सम्मान भी हैं। और अगर आपकी रचनाओं की बात करें तो संकलन में तब याद तुम्हारी आती है तथा अन्य बाल साहित्य और एनसीईआरटी नई दिल्ली के साथ 3 साझा संकलनों का संपादन किया है। और आशु कवि, संचालक, गीतकार, दोहाकार, हास्य व्यंग्य कवि, किसी भी विषय पर तुरंत स्तरीय रचना करने में सक्षम, कवि सम्मेलन के देश में एकमात्र आशु संचालक आदरणीय राजेश राज जी आज हमारे बीच हैं और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। प्रत्येक बसंत पंचमी को सरस्वती वंदना रचने वाले संभवतः अकेले गीतकार, एक और इनके नाम खास बात है। आप अगर हेडफोन का इस्तेमाल करें तो आप अच्छी तरह से सुन सकेंगे। हेडफोन का इस्तेमाल करें, हेडफोन का इस्तेमाल, राजेश राज जी के बारे में आकाशवाणी के दिल्ली, इलाहाबाद, गोरखपुर केंद्रों से लगातार 40 वर्षों से कविताएं प्रसारित होती रही हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 3 महत्वपूर्ण योजनाओं, बेटी बचाओ,
स्वच्छ भारत मिशन एवं भारतीय दिवस के थीम सॉन्ग के लिए आकाशवाणी दिल्ली से आमंत्रित किया गया है। आकाशवाणी दिल्ली संग्रहालय के लोकप्रिय धारावाहिक के टाइटल सॉन्ग के रचनाकार हैं आप, और आकाशवाणी दिल्ली के बाल विभाग के लोकप्रिय धारावाहिक जो भारत खेले एवं इन्हें भी जाने के टाइटल सॉन्ग के भी रचनाकार हैं। इसके अलावा आकाशवाणी दिल्ली द्वारा संगीतबद्ध दीपावली पर किए जाने वाले जो विशेष आयोजन है उनमें भी दो गीतों के रचनाकार हैं। आकाशवाणी दिल्ली द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर देश में प्रथम बार आयोजित भारतीय कवि सम्मेलन में सशक्त भागीदारी, और आकाशवाणी दिल्ली के ही सॉफ्टवेयर अनुभाग द्वारा आपकी रचना जब प्रेम पपीहा बोले का संगीतबद्ध प्रसारण हो चुका है। अब नवीनतम उपलब्धियों की बात करें तो महात्मा गांधी के उपदेशों का गीत रूप में इन्होंने गीत रूप में उसे लिखा है और उसको आकाशवाणी दिल्ली द्वारा संगीतबद्ध किया गया है। वाह वाह एवं सोनी टीवी के कार्यक्रमों में भी सशक्त भागीदारी रही है, तो आदरणीय राजेश राजी का मंच पर इस पटल पर स्वागत करते हैं। आप सभी का स्वागत है। प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इसके साथ ही हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं आदरणीय आशा ओझा पांडे जी। आशा पांडे ओझा जी माफ कीजिएगा। आशा पांडे ओझा जी कार्यक्रमों में मंच संचालन के साथ साथ लेखन और समाज को जीवन का अहम हिस्सा मानती हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकें गूंज समुद्र के नाम, ये एक काव्य संग्रह है, एक कोशिश रोशनी की ओर, ये भी काव्य संग्रह है, त्रिगुसंधि में संपादित गीत गजल कविता और जर्रे जर्रे में वो है वक्त की शाख से प्रकाशित हो चुकी है। आगामी पुस्तकें हैं पाखी हाइकू संग्रह, दोहा संग्रह एक ही प्रकाशनाधीन है, उसके अलावा एक कहानी संग्रह भी जल्द ही पढ़ने वालों के हाथों में होगा। आप त्रिभुसंधि साहित्य कला व संस्कृति संस्थान की संस्थापिका व अध्यक्ष भी हैं। कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम हेतु कई प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम करवा चुकी हैं। महिला उत्थान और जागृति हेतु कई कार्यक्रम करवा चुकी हैं। आपकी देश की 200 से अधिक विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और ई पत्रिकाओं में कविताएं, मुक्तक, गजल, कतार, दोहा, हाइकू, कहानी, व्यंग समीक्षा, आलेख, निबंध और शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आशा पांडे ओझा जी आज के इस काव्य आयोजन में, हमें हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय प्राची राज जी, आप गोरखपुर से हैं, गीत गजल और मुक्तक में आपकी सशक्त लेखनी लगातार निरंतर नित नए आयाम रचती रही है, और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से प्रसारण कवि लोक संस्था द्वारा किताब में रचनाएं प्रकाशित और संगम संस्था संगम की पत्रिका में भी आप लगातार प्रकाशित होती रही हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राची राज जी। तो आज की इस काव्य गोष्ठी की का आरंभ हम आपसे ही करना चाहेंगे। प्राची राज जी से अनुरोध है कि वो इस काव्य गोष्ठी का आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजुल जी मंच से मुझे जोड़ने के लिए, इसके लिए आपको हृदय तल से आभार। क्योंकि इस वक्त एक महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है और समय बहुत भारी है, कठिन समय है, हम सभी उस सभी लोगों की पीड़ाओं को अच्छी तरह कहीं ना कहीं समझते हैं, समझ सकते हैं, हम सब भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस भारीपन को थोड़ा हल्का करने के लिए हम कवियों का भी सहयोग बनता है। बहुत मन भारी है, दिशा भ्रम है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो कहीं ना कहीं यह प्रयास अपने आप में जरूरी भी है और करना भी चाहिए। तो मैं सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ और
सबसे पहले चार लाइनें और फिर उसके बाद अपनी एक गजल आप सबके समक्ष रखूंगी। तो मैं पहले चार लाइनों से शुरू करती हूँ। आप सभी का सहयोग। मेरी आवाज ठीक से पहुंच तो रही है ना? हाँ, बिल्कुल, बहुत 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 ठीक है। जी 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 पहुंच रही है, आ रही है जी, जरूर। कैसा भय आतंक, कैसा भय आतंक है ये, डर में डूबा ये शहर है। कैसा भय आतंक है ये, डर में डूबा हर शहर है। दूरियां बढ़ सी गई हैं, मौत की आई लहर है। दूरियां बढ़ सी गई हैं, मौत की आई लहर है। बदला है मौसम यहाँ पर, वक्त थोड़ा सा कठिन है। बदला है मौसम यहाँ पर, वक्त थोड़ा सा कठिन है। जो लड़े डटकर यहाँ पर, पार करता वो सफर है। जो लड़े डटकर यहाँ पर, पार करता वो सफर है। और इसी इसी उसमें चार लाइनें और इसी पल इसी समय को ध्यान में रखते हुए एक चार लाइन और आपके सामने रख रही हूँ कि देख के सबकी पीड़ा, धधक उठा है अंतर मन। देख के सबकी पीड़ा, धधक उठा है अंतर मन। सांस सांस पर मौत का साया, कठिन हुआ अपना जीवन। सांस सांस पे मौत का साया, कठिन हुआ अपना जीवन। अपने भी बेगाने से हैं एकांकी जीवन संध्या। अपने भी बेगाने से हैं एकांकी जीवन संध्या। मरुथल सा बन गया है जीवन का ये सुंदर सा उपवन। मरुथल सा बन गया है अपना जीवन का ये सुंदर मधुबन। और एक गजल आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ, हो सकता है ये मरहम का काम करे। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी। मतले का शेर समाप्त। मई एक आप ही दुखी हैं, ये आपका भरम है। एक आप ही दुखी हैं, ये आपका भरम है। घर बसर परेशान, कोई ज्यादा कोई कम है। एक आप ही दुखी है, ये आपका भरम है। और शेर देखिए, लगता है इस शिगर में कोई हादसा हुआ है। लगता है इस शिगर में कोई हादसा हुआ है। चेहरे हैं जर्द सबके, हर एक की आँख नम है। क्या कहने, चेहरे है जर्द है। सबके, हर एक की आँख नम है। और दूसरा शेर है कि देखो तो पार करके तुम दुख के जंगलों को। देखो तो पार करके तुम दुख के जंगलों को। इस जंगलों के पीछे ही सुख का आश्रम है। इन जंगलों के पीछे ही सुख का आश्रम है। धन्यवाद। और शेर देखिए, उन
सूरज को तुम दिखाओ, दीपक तो फायदा क्या, सूरज को तुम दिखाओ, दीपक तो फायदा क्या, उन होशों को तलाशो जिस ओर घोर तम है, अच्छी उन बात है, गोशों को बहुत सुंदर, अच्छी बात है। तलाशो जिस जिस ओर घोर तम है, ओर घोर तम, और मक्ते का शेर है खुशियों का। आशा जी कुछ कह रही थी, खुशियों। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बहुत ही उम्दा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। खुशियों का क्या है प्राची, कब साथ छोड़ जाए, आय है, क्या कहना है, खुशियों का क्या क्या है है प्राची, प्राची, आय कब है, साथ छोड़ जाए, जो उम्र भर निभाए मेरे साथ तेरा गम है, जो उम्र भर निभा, शुक्रिया, जो उम्र भर निभाए। और जाते जाते चार लाइन आप सब लोगों को देकर जा रही हूँ कि इस जिंदगी से जिसको हो कोई गिला नहीं, इस जिंदगी से जिसको हो कोई गिला नहीं, मुझको तो कोई आदमी ऐसा मिला नहीं, क्या कहने बेटा, इस जिंदगी, और देखिएगा आकाश पे बिठाना मुझे चाहता था जो, अफसोस मेरे साथ दो कदम चला नहीं, क्या कहने हैं, अफसोस। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर बेटा, शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मन को धीरज बंधाता अंदाज और बेहद सुरीली आवाज, गोरखपुर से आदरणीय प्राची दास, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर रचना है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। और इस वक्त जब इस बेहद सख्त जरूरत सब जगह जी हर तरफ बहुत भयावह माहौल है और सभी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो ऐसे में कोई भी ऐसी आप बात जो कि किसी को थोड़ा सा धीरज दे जाए, वो वाकई मतलब जैसे संजीवनी का काम करती है, बहुत खूब साधुवाद आपको, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आदरणीय आशा पांडे ओझा जी से निवेदन कर रही हूँ कि वो रचना पाठ करें, आदरणीय आशा पांडे ओझा जी। बहुत अच्छा राजन जी, मुझे जिस दिन ये कार्यक्रम तय हुआ था उस दिन माहौल कुछ और था, जी प्रस्तुति देने आए हैं तो माहौल कुछ और, शायद हमने नहीं सोचा था कि हमारे बड़े भाइयों और बहनों को कोरोना इस तरह अपना ग्रास बना लेगा, और आज हमें उनके श्रद्धांजलि के संग पाठ करना पड़ेगा। आदरणीय कमलेश त्रिवेदी जी, परसों ही एक बहुत खूबसूरत गीत गाया था उन्होंने, आदरणीय राजेश राज दादाजी भी जानते हैं, शांत, बहुत ही संजीदा इंसान, बहुत जिंदा दिल इंसान, कानपुर से थे हमारे साथ,
थे, कल जो थे आज उनको थे बोलना, कल तक जो है और आज थे हो गए, कितना दुखद लगता है। इसी तरह मुरादाबाद से डॉक्टर मीना को जो हिंदी डिपार्टमेंट की एचओडी थी और राइटर थी, इसी तरह परसों रात में छोड़ गए। गीतकार राजेंद्र राजन जी, कौन नहीं जानता हूँ कैसे असमी, इसी तरह पिछले साल कोरोना ने हमारे बहुत राजस्थान जयपुर के बहुत ही संजीदा साहित्यकार लेखन जो हिचकी पत्रिका निकालते थे, आप सभी उनसे वाकिफ हैं, चाहे जैसे अचानक अलविदा कह दिया। और लखनऊ से हमारे बीच थे मिजाज लखनऊ यानी अभय पांडे जी, दो दिन पूर्व मंदिर में अलविदा कह के चले गए। कोरोना में ऐसे ऐसे जिंदा दिल इंसान ने तो हमसे छीन लिया, इतने बड़े बड़े साहित्य छीन लिया, साहित्य की बहुत बड़ी क्षति हुई। उमेश श्रीवास्तव जी थे हमारे बीच में लखनऊ से, दो दिन पूर्व कोरोना से ग्रसित होकर हमें विदा कर चुके, बड़ा बहुत सुंदर बड़ा संकट। मैंने सोचा कि जो गीत गजल कविताएं पढ़ने वाली थी दोहे पढ़कर नहीं, आज मैं कुछ कविताएं आपको स्वागत स्वागत थोड़ा माइक पास करो। आशा जी आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी सी आवाज को क्लियर करिए, थोड़ा माइक पास कर लीजिए। कटी सी आ रही जी दादा, आप माइक थोड़ा पास कर लो, माइक दूर है। हाँ ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाले घर में हूँ तो मैं अपने दूसरे घर जा नहीं सकती। नहीं आप ठीक है, नहीं नहीं इसमें ठीक आ रही है। हाँ थोड़ा पास है, थोड़ा पास आ जाएंगी तो सुनाई देगा। हाँ जी जितनी सुविधाएं हैं आपके समक्ष अपने दूर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। पीछे अपने छोड़ कर अनगिन गजलें गीत, पीछे अपने छोड़ कर अनगिन गजलों गीत, जाने जाने क्या बात, एक और दोहाने को समर्पित करती हूँ। चुपके चुपके सब गए कहीं नहीं मन, चुपके चुपके सब गए कहीं न मन की बात, सूरज चढ़ना शेष था सूरज चढ़ना शेष बेबस और उदास, बेबस और उदास। आदरणीय आशा जी आपको बीच में टोकने के लिए क्षमा चाहती हूँ, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, ठीक से साफ समझ में नहीं आ रही है, तो अगर आप ईयर प्लग लगा लेंगी तो ठीक से आपको भी सुनाई देगा। और ईयरफोन है या मोबाइल पास कर रहे हैं? मोबाइल तो मैं जितना पास कर सकती हूँ दादा उतना मेरे पास है। हाँ अभी अभी आप ये बोली तब आपकी आवाज आई स्पष्ट। हाँ अब आपकी, हाँ चलिए ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं आ रही। अब आ रही है, थोड़ी बहुत आ रही है, अब आप बोलिए बोलिए बोलिए। दोहा रखती हूँ, बेबस हरे नैन बेबस और उदास से हरे नैन मैनी बदलाए किसको अपना अपने नाए मैं अगली रचना अगर आप पिछली साल थोड़ा सा मोबाइल कट गया था कोरोना की वजह से उन्होंने अलविदा कहा। आदरणीय मोबाइल के जिस तरफ माइक है ना उसको ऐसे अपनी तरफ कर लीजिए थोड़ा सा।
जिस साइड में माइक है उसको कभी क्लियर आ रही है कभी रुक जा रही है। हाँ अभी क्लियर आ रही है कभी। अब दो मिनट राजेश राज दादा। हाँ ठीक है जी, मैं नीचे जाके देखती हूँ, नीचे शायद नेटवर्क का इशू। नहीं नहीं नेटवर्क का इशू नहीं है, माइक दूर हो रहा है, मोबाइल के जिस साइड में माइक है ना उधर। एक्चुअली नहीं, पीछे हाईवे चल रहा है उसकी वजह से नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है मुझे। मैं नीचे पहुंचती हूँ तब तक आप देख लीजिए। आप देख लीजिए। हाँ हाँ आप देख लीजिए, देख लीजिए, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, आप जरूर देखिए। तो आशा पांडे ओझा जी ने विनम्र श्रद्धांजलि दी हमारे उन सभी कलम के सिपाहियों को जिन्होंने इस मुश्किल दौर में बहुत संघर्ष के बाद जीवन को अलविदा कहा था, और उनके जाने का हार्दिक दुख है, लेकिन हमें विश्वास है कि उनकी जो रचनाएं हैं वो इस समय में भी हमारे लिए एक संबल का आधार बनकर हमारे साथ रहेंगी। अभी कुछ नेटवर्क की समस्या है तो आदरणीय राजेश राज जी से अनुरोध किया जाए कि आप बीच, हालांकि हम तो उनसे बहुत सारी रचनाएं सुनने वाले हैं, लेकिन जब तक वो आशा जी नीचे तक पहुंच रही हैं तब तक अगर बीच में आप कोई एक नहीं नहीं ठीक है नहीं, हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं मेरी आवाज आ रही है ना जी? आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही। हाँ तो जो भी लोग जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है इस प्रकाशक के पेज पे। हाँ अच्छा ठीक हुआ क्या? ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी हैं हमारे साथ, बैंगलोर से ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी हैं, और स्वागत है विमल जी हैं लखनऊ से। बहुत सुंदर आवाज और बहुत सुंदर कलम की मालकिन है, स्वामिनी है ये। जीवन प्रकाश चमोली जी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है जीवन प्रकाश चमोली जी आपका। तो अब आशा जी हैं हमारे साथ, और आशा जी बोलिए। क्या मेरी आपकी आवाज के कुछ शब्द आ रहे हैं और टूट रही है आपकी आवाज बहुत ज्यादा, तो अगर मेरे ख्याल से अगर आप वो लगा लें ईयरफोन अगर वो लगा ले तो अच्छा रहेगा। अच्छा मैं ये घर पे अपने नहीं है ना, ये मकान बनवा रही हैं और इस समय दिन में ये वहाँ रहती हैं, तो पता नहीं लाई हैं कि नहीं लाई हैं साथ में। हाँ जी। और हमारे साथ तो, आदरणीय उषा श्रीवास्तव जी हैं, राम किशोर जी हैं वरिष्ठ साहित्यकार लेखक पत्रकार, डॉक्टर राम किशोर जी आपका बहुत बहुत से। और हेलो जी, हेलो, अब आ रही है, हाँ हाँ अब आ रही है, अब आ रही, हाँ क्लियर आवाज आ रही है अब जी। तो हमारे बीच में जयपुर के हमारे साहित्यकार जो कि कैंसर से जूझ रहे थे, और कैंसर से जिन्होंने बहुत अच्छी तरह फाइट कर लिया लेकिन कोरोना को चुनौती नहीं दे पाए, उसके सामने हार मान ली, उन्हीं की एक कविता मैं आप सभी के रूबरू रखना चाह रही हूँ, छोटी सी कविता। जरूर स्वागत। तुम सो जाओ, कविता का शीर्षक है तुम सो जाओ। मुझे अभी कुछ देर रात बुहारनी है, मुझे अभी कुछ देर रात बुहारनी है, कुछ स्वप्न के टुकड़े हैं जो अभी भी इसमें बिखरे हैं, कुछ स्वप्न के टुकड़े हैं जो अभी भी इसमें बिखरे हैं। चांदनी रातों में मुझे मेरे अंधेरों का हर कोना दिखाई दे जाता है, चांदनी रातों में मुझे मेरे अंधेरों का हर कोना दिखाई दे जाता है, और आज की रात कुछ ऐसी ही है, और आज की रात कुछ ऐसी ही कुछ है, ऐसी ही है। चलो अब तुम सो जाओ, मुझे तो अभी कुछ देर ये रात गुहारनी है। ये उनकी आखिरी कविता है, ये उनकी आखिरी कविता, और उसी देर रात गुहारते हुए वो सो गए थे, अनंत में विलीन हो गए थे। बहुत सुंदर कविता। 9 अप्रैल को कमलेश द्विवेदी भैया जो कल हमें अलविदा कह चुके हैं, कल रात को, आज सुबह उठते ही सबसे मनहूस खबर
यही फेसबुक खोलते ही और व्हाट्सएप खोलते ही सबसे पहली जो मनहूस खबर सुनने को मिली आदरणीय कमलेश द्विवेदी भैया जो कि लखनऊ से थे हमारे बीच, उनकी गजल के चंद अशआर जो 9 अप्रैल को उन्होंने लिखी है रख रही हूँ आप सबके रूबरू। आपका जो भी खास होता है दूर होकर भी पास होता है। पास होता है क्या कहना, क्या बात, क्या बात है, क्या जो भी खास होता खास है, होता है दूर होकर वो पास, दूर होकर भी पास होता है, पास होता पास है। वो ही बस, वो ही बस याद आता है जब कभी दिल उदास होता है। वो ही बस, वो ही याद आता है जब कभी दिल उदास होता है। उसकी आंखों में झांक लेता हूँ, उसकी आंखों में झांक लेता हूँ जब भी खाली गिलास होता है। उसकी आंखों में झांक लेता हूँ जब भी खाली गिलास होता है, होता है। वो ये कहता है प्यार का मतलब, वो ये कहता है प्यार का मतलब, बूझ न पाए वो प्यास होता है, बूझ न पाए वो प्यास होता, तो प्यास होता है। अच्छा है। आंकी मत लिबास से उसको, आंकी मत लिबास से उसको, आदमी क्या लिबास होता है। आंकी मत लिबास से उसको आदमी क्या लिबास होता है, लिबास होता है। ये थी आदरणीय कमलेश द्विवेदी भैया की गजल जो उन्होंने 9 अप्रैल को लिखी थी, और एक गीत तो उन्होंने परसों ही रात पोस्ट किया था, बहुत खूबसूरत गीत थी, बहुत पता नहीं जाने का शायद उनको एहसास हो चुका था। अब आदरणीय मीना कौल दीदी मुरादाबाद से जो हिंदी की HOD हिंदी विभाग की हैं, परसों रात जिंदगी को वो भी अलविदा कह गई। उनकी एक कविता जो पिछले साल कोरोना पे उन्होंने लिखी रख रही हूँ। जिंदगी आजकल कोरोना के खौफ में गुजर रही है, जिंदगी आजकल कोरोना के खौफ में गुजर रही है, हर कदम पर बीमारी एक नई साजिश रच रही है, वायरस के बोझ से हर व्यवस्था कुचल रही है, निर्दोषों की चीख से मानवता भी दहल रही है, हर इच्छा ही जल रही है महामारी की आग में, हर इच्छा ही जल रही है, दूर देश से उठी आग कितनी सांसें निगल रही है, आपसी सद्भाव पर संदेह की काली छाया पड़ रही है, आपसी सद्भाव पर संदेहों की काली छाया पड़ रही है, धर्म स्थल पर भी शत्रु की काली छाया पड़ रही है, कौन है जिसने ये अवांछित कर दिया, कौन है जिसने ये अवांछित कर दिया, अपने ही घर में हमें असुरक्षित कर दिया, आखिर कब तक जिंदगी कोरोना के साए में गुजरेगी, आंखें कब तक सपनों को तरसेगी, कभी कभी लगता है इसकी कोई दुआ जरूर आएगी, कभी कभी लगता है इसकी कोई दुआ जरूर आएगी, महामारी छोड़ पीछे मीना जिंदगी आगे बढ़ जाएगी, लेकिन एक साल आते आते मीना दीदी उसी कोरोना की वजह से आगे बढ़ गए, अलविदा कह गई। लखनऊ से हमारे बीच एक बहुत ही अजीम शायर मिजाज लखनवी यानी अभय पांडे जी आते हैं। मुश्किलों से गुजर रहा हूं मैं, आ तुझे याद कर रहा हूं, चंद अशार मिजाज लखनवी साहब के रखती हूँ मैं आप सबके रूबरू। कि मुश्किलों से गुजर रहा हूं मैं, आ तुझे याद कर रहा हूं मैं, वक्त की तेज आंधियों में यूं, वक्त की तेज आंधियों में यूं रेत जैसा बिखर रहा हूं मैं, रेत की वक्त की तेज आंधियों में यूं रेत जैसा बिखर रहा हूं मैं, बिखर रहा हूं मैं। आंख मुझ पे लगी है लोगों की, आंख मुझ पे लगी है लोगों की, जिस गली से गुजर रहा हूं मैं, जिस गली से गुजर रहा हूं मैं, और
चंद अशार और रखती हूँ मिजाज लखनवी साहब के, कि दिलों में जगह तुम बनाते रहो, यूं ही प्यार सबका पाते रहो। दिलों में जगह तुम बनाते रहो, यूं ही प्यार सबका ही पाते रहो। दरखसा बनो तुम जहां के लिए, दरखसा बनो तुम जहां के लिए, बनो रोशनी जगमगाते रहो। तुम्हारी गजल को पढ़ूं जब मिजाज, तुम्हारी गजल को पढ़ूं जब मिजाज, करे मन यही गुनगुनाते रहो। तुम्हारी गजल को पढ़ूं जब मिजाज, करे मन यही गुनगुनाते रहो। और डॉक्टर अमी आधार जी निडर, हिचकी पत्रिका की संपादक, जो हमारे बीच पिछले साल कोरोना की वजह से अलविदा कह गए, उन्होंने जाने कितनी बार लोगों को सचेत किया, हर पल उनकी पोस्ट एक कोरोना से सावधान करने की होती थी। उनकी एक इसी कोरोना से ही रिलेटेड एक उनकी पोस्ट रख रही हूँ। मास्क लगाया ही नहीं, हाथ किए नहीं साफ, कोरोना कैसे करे अब बोलो तुमको माफ। पुलिस रोकती प्यार से, तुम क्यों नहीं रुकते यार, सब्जी लेने जा रहे तो क्यों निकली तलवार। लॉकडाउन है चल रहा, तुम संयम रखो यार। और अमी आधार जी भी जाने कैसे इतनी सावधानी के बावजूद कोरोना से काल कलवित हो गए। उन्हीं का एक गीत रख रही हूँ, ये कैसा अनुबंध हुआ है, ये कैसा संबंध हुआ है, पावन हो वह उठे किनारे, तार तार तटबंध हुआ है, प्यार में क्या उपबंध हुआ है, नैन से नैन निबंध हुआ है, गहरा अंत बंध हुआ है, मन माधो मकरंद हुआ है, न बिछुए न सप्तपदी न सिंदूरी मांग भरी है, न तन छुआ न सांस भरी है, फिर भी तन मधुगंध हुआ है, सभी कामना सभी भावना सभी अर्चना सभी वंदना, सारी ही मन की मनोहारे, मन सबसे स्वच्छंद हुआ है, कोई बंधन कोई चंदन कोई पूजा कोई वंदन, शेष नहीं अब परम तत्व से मिलने का अनुसंध हुआ है, शेष नहीं अब परम तत्व से मिलने का अनुसंध हुआ है। इस तरह जाने कितने ही हमारे साहित्यकार, कितने ही हमारे कवि इस कोरोना के कारण असमय काल कलवित हो गए, उन्हें हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। बहुत 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 ही बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बात कि आपने इस तरह से श्रद्धांजलि दी, और हम सभी के मन में उनके प्रति शत शत प्रणाम शत शत नमन है। मैं यहाँ पर एक बात ये बस कहना चाहूंगी कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी दुखद घटनाएं सुनने में आ रही है, बहुत सारी सिर्फ साहित्यकार ही नहीं, आसपास बहुत सारे ऐसे लोग भी जा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत कुछ करते आए हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, या कि क्योंकि मैं मुंबई में हूँ तो रोज देखती हूँ कि कोई ना कोई जो जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, जरूरी सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी जाते हुए देखती हूँ। और स्वयं हम तीन लोग परिवार में हम लोग इस महामारी का सामना इससे गुजर के चुके हैं, तो मेरे ख्याल से कि श्रद्धांजलि तो हम दिल से सबको देते हैं, उन सभी को देते हैं जो हमारे बीच नहीं है, और कलम के सिपाहियों को शिक्षक नमन करते हैं। लेकिन इस अंधेरे में जबकि चारों तरफ ऐसा लगता है कि एक कदम भी अगर आगे बढ़ाया तो कभी कहीं पता नहीं किस गर्त में हमारा पांव पड़ जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस समय खुद को बचाने की बात है वो मास्क और सैनिटाइजर से भी ज्यादा है अपने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत रखना, और ऐसी सभी घटनाओं से ऐसी नकारात्मक बातों से दूर रहना जो जरा सा भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को असर डाल सकती है। मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर इसी कार्यक्रम में
मैं एक बार तब भी आई थी जब मैं स्वयं तेज बुखार से पीड़ित थी और मेरे घर में हम तीनों लोग इससे गुजर रहे थे। लेकिन उसके बाद क्वारंटाइन के बाद हम लोगों ने अपने आप को संभाला और उस समय भी खुद को अकेले संभालते रहे क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा सहायता नहीं है कि हम किसी से सहायता ले सके। लेकिन बस यही है कि जीवन के साथ अपना जो जितनी देर का हमारा जीवन है, जितने समय का जीवन है, वो जीवन हमसे कोई छीन नहीं सकता। और जब मृत्यु आनी है तो उसे कोई टाल नहीं सकता, वो चाहे कोरोना के बहाने आए चाहे किसी अन्य बहाने से आए। तो जीवन और मृत्यु ये परम सत्य है और इन परम सत्यों से परे हम में से कोई भी नहीं है। तो आज की इस काव्य गोष्ठी में अब मैं इसी भावना के साथ निवेदन कर रही हूँ आदरणीय राजेश राज जी से कि वो रचना आदरणीय राजेश राज जी। बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद राजुल। जो लोग इस कार्यक्रम देख रहे हैं, जैसा कि अभी संचालन कर रही राजुल ने बताया कि बंबई जैसे शहर में मकान में अकेले तीन लोग, एक बेटी, पति पत्नी, बेटी को कोरोना हुआ तो वह माँ संभालेगी, फिर माँ को भी कोरोना हुआ तो हुआ, चलो पिता को भी, उसको भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी प्रोग्राम चलता रहा। ये जो कवि गोष्ठी का कार्यक्रम है ये कोई शौक नहीं है, ये एक हमारा दायित्व है समाज के प्रति। हम हर अवसर पे सुख बांटते हैं, दुख बांटते हैं और दोनों स्थितियों में साथ रहते हैं। इसलिए आज कार्यक्रम ये सुबह से अभी आंख की नमी सूखी नहीं है, चेहरे से भी लग रहा होगा और अंदर की बात है। प्राची राज, कल से इसको बुखार है, अभी टेस्ट नहीं कराया है, कोरोना डिक्लेयर नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने यहाँ पे डॉक्टरों की राय ये है और ये मैं इस माध्यम से मीडिया के सबसे कहता हूँ कि कोरोना की जांच की रिपोर्ट आने में 3 से 5 दिन लग जा रहे हैं, आजकल इतनी भीड़ है। सिम्टम दिखाने के बाद जो प्रारंभिक दवाएं हैं वो आप शुरू कर दें, जैसे प्राची भी दवा कर रही है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव भी आती है, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव भी आती है तो 5 दिन के कोरोना में 4 दिन आप दवा खा चुके रहेंगे, 3 दिन तो आप 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। और जब रिपोर्ट आने के बाद आप दवा शुरू करते हैं तो कोरोना भी गहराई से जड़ पकड़ लेता है और आपको अच्छे होने में 15-20 दिन लग जाते हैं। तो प्राची जल्दी से तुम ठीक हो और आज तुम आई इस कार्यक्रम में, अच्छा लगा। जल्दी से आप स्वास्थ्य और करें, बस यही हमारी प्रार्थना है, ईश्वर से हिम्मत। और एक बात, हाँ, और एक बात आशा ने आज कहा था कि दादा हम लोग अपनी कविता तो पढ़ते हैं जो लोग चले गए, क्योंकि कहा जाता है कि कवि को कविता ही जिंदा रखती है, तो उनकी रचनाएं पढ़ी हैं। तो मैं अपना एक गीत पढ़ूंगा, लेकिन पहले कमलेश जी से मेरी बहुत अच्छी जुगलबंदी थी, मेरी कविता पे वो तुरंत आपसे प्रतिक्रिया देते थे, उनकी कविता पे मैं करता था, कभी कभी नोक झोंक भी होती थी। और जैसा कि अभी आशा ने पढ़ा, लगभग हर कवि की अंतिम कविता ये बता रही है कि वो अंतिम समय की कविता है। कभी को नहीं पता था कि उसका अंतिम समय है, वो अंतिम कविता लिख रहा है, लेकिन मन में ऐसी स्थिति बन जाती है कि कुछ आभास हो जाता है। कमलेश जी की अंतिम कविता और उस पर आज सवेरे उनकी खबर पाने के बाद जो मैंने आंसुओं से, वैसे मैं आश्र प्रतिक्रिया लिखता हूँ, आज अश्र प्रतिक्रिया लिखी, वो मैं पढ़ता हूँ। पहले कमलेश जी ने कहा था कि मैंने गीत में एक नई विधा निकाली है, 5 लाइन का अंतरा और मुखड़ा है ही नहीं है, खाली बस अंतरा 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 का गीत था वो 3, और उस समय उनकी जिंदगी भी अव्यवस्थित थी और मैंने उनको बधाई देने के लिए फोन भी किया था। उनके बेटे ने कहा कि पापा बीमार हैं, बाद में बात कराएंगे, हम कचरों कोई बात नहीं, ये नहीं पता था कि वो आखिरी बात है। कमलेश जी का मृत्यु से 2 दिन पहले का गीत। याद तुम्हारी आई मुझको, एक गीत लिख दिया पत्र सा, मगर तबीयत ठीक नहीं है वरना अभी पोस्ट कर देता, जब आना तुम खुद पढ़ लेना। याद तुम्हारी आई मुझको, एक गीत लिख दिया पत्र सा, मगर तबीयत ठीक नहीं है वरना अभी पोस्ट कर देता, जब आना तुम खुद पढ़ लेना। जो जब आया याद लिख दिया, क्रम पर ध्यान नहीं दे पाया, अभी तबीयत गड़बड़ है ना, क्रम भी गड़बड़ हो सकता है, तुम अपने ढंग से गढ़ लेना। अभी तबीयत गड़बड़ है ना, क्रम भी गड़बड़ हो सकता है, अपने ढंग से तुम गढ़ लेना। पत्र कहूं या इसको कंगन, पत्र कहूं या इसको कंगन, इसमें है भावों के मोती, पर हो सकता कहीं रह गया हो कोई मोती जड़ने से, उस मोती को तुम जड़ लेना,
अभी तबीयत ठीक नहीं है वरना अभी पोस्ट कर देता, जब आना तो खुद पढ़ लेना। क्या बहुत बहुत। और इस कविता और आज सुबेरे जब जैसे फेसबुक पर ये खबर मिली तो मैंने लिखा, ऐसा गीत कभी मत लिखना जिसको स्वयं सुना ना पाओ, ऐसा गीत कभी मत लिखना जिसको स्वयं सुना ना पाओ, परसों बात नहीं हो पाई अब क्या करूं मुझे बतलाओ, ऐसा गीत कभी मत लिखना जिसको कभी सुना ना पाओ। कोरोना से हार रहे थे, कोरोना से हार रहे थे, खुद को पल पल मार रहे थे और फिर भी कांप रहे हाथों से अनगढ़ शब्द संवार रहे थे। कोरोना से हार रहे थे, खुद को पल पल मार रहे थे, फिर भी कांप रहे हाथों से अनगढ़ शब्द संवार रहे थे, अब क्या आना। उनका था कि जब आना तो खुद पढ़ लेना, अब मैं कहना पड़ा अब क्या आना, अब क्या पढ़ना, नहीं बोलते तुमसे जाओ, ऐसा गीत कभी मत लिखना जिसको स्वयं सुनाना हो। क्या बात, बहुत तो कमलेश भाई आप बहुत याद आएंगे और मन दुखी है। और एक गीत में और राजेंद्र, जब मैं कवि सम्मेलन का ओपनिंग बैट्समैन हुआ करता था 40 साल 50 साल पहले, उस समय भी राजेंद्र राजन गोरखपुर आते थे, तब वो युवा गीतकार थे, तो उनके बहुत सारे गीत प्रचलित हैं। एक गीत में उनका पढ़ रहा हूं क्योंकि अब ये गीत ही उनकी याद दिलाएंगे। और सच पूछिए तो गीतकार सैकड़ों गीत लिखे, उसके एक दो गीत होते हैं जो सिग्नेचर गीत होते हैं, वो ये गीत है। केवल दो गीत लिखे मैंने, केवल दो गीत लिखे मैंने, एक गीत तुम्हारे मिलने का, एक गीत तुम्हारे खोने का, केवल दो गीत लिखे मैंने। सड़कों सड़कों शहरों शहरों, नदियों नदियों लहरों लहरों, विश्वास किए जो टूट गए, कितने ही साथी छूट गए, पर्वत रोए नैनों ने, पर्वत रोए सागर रोए, नैनों ने भी मोती खोए, सौगंध गुठी थी अलकों में, गंगा जमुना से पलकों में, केवल दो, केवल दो स्वप्न बुने मैंने, एक स्वप्न तुम्हारे सोने का, एक स्वप्न तुम्हारे केवल दो स्वप्न बुने मैंने, एक स्वप्न तुम्हारे जगने का, एक स्वप्न तुम्हारे सोने का, केवल दो गीत लिखे मैंने। बहुत सुंदर। बचपन बचपन, मैं 40 साल पहले इस गीत को सुना था और लगातार हर मंच पे फरमाइश होती थी, बचपन बचपन यौवन यौवन, बंधन बंधन क्रंदन क्रंदन, नीला अंबर श्यामल मेघा, किसने धरती का मन देखा, सबकी अपनी है मजबूरी, चाहत के भाग्य लिखी दूरी, सबकी अपनी है मजबूरी, चाहत के भाग्य लिखी दूरी, मरुथल मरुथल जीवन जीवन, पतझर पतझर सावन सावन, केवल दो रंग चुने मैंने, केवल दो रंग चुने मैंने, एक रंग तुम्हारे हंसने का,
एक रंग तुम्हारे रोने का केवल दो गीत लिखे मैंने, केवल दो गीत लिखे मैंने, एक गीत तुम्हारे मिलने का, एक गीत तुम्हारे खोने का, केवल दो गीत लिखे मैंने, केवल दो गीत। और रचनाकार गीतकार आदरणीय आदरणीय राजेंद्र राजन जी का बहुत ही खूबसूरत गीत है ये, बहुत ही मार्मिक गीत उनका, बहुत बढ़िया गीत, बहुत सुंदर, बहुत बहुत। और यही गीत लिख पाना एक रचनाकार का धर्म है। और मैं आज ही के लिखी कुछ पंक्तियां प्राची ने सुनाई। कुछ भी कह पाना आज मुश्किल है, कुछ भी कह पाना आज मुश्किल है, वक्त जाने कैसा नसीब है किसका, वक्त रहते पता नहीं चलता, वक्त रहते पता नहीं चलता, वक्त कितना करीब है किसका, वक्त रहते पता नहीं चलता, वक्त कितना करीब है किसका। और कल की बात है, आज एक कार्यक्रम और था शाम को, तो उसको स्थगित किया गया। तो नंदिनी श्रीवास्तव बहुत अच्छी कवित्री, हमारी भतीजी है, तो उसकी भी तबीयत खराब चल रही है इस समय। और किसी की तबीयत खराब न होने वाले डरे हुए हैं, जिसकी तबीयत खराब होती है उसके लिए तो चिंता होती है। तो उस कार्यक्रम को हम लोगों ने एक हफ्ते टाल दिया। और मैंने कल रात में फेसबुक पर लिखा नंदिनी को कि तुम डर हिम्मत रखो, मन मन को ठीक करो, जैसा अभी आप कह रही थी राजुल के मन को एक समय हिम्मत देनी है, और एक हफ्ते बाद फिर ठीक हो जाओगे, प्रोग्राम करेंगे। आज जैसे ये पोस्ट किया मैंने श्रद्धांजलि कमलेश जी की, तो नंदिनी ने कहा कि चाचा कल आप कह रहे थे कि मन को संभालो, अब आज बताइए कि मन को कैसे संभालें। तो बहुत ही बड़ी विडंबना है उसका ये वाक्य सुन के। तुलसीदास जी ने कहीं लिखा है प्रसंग में रामायण में कि धीरज होकर धीरज भागा, मतलब जो धीरज है उसका भी धीरज भाग गया। तो मैं धीरज बंधाने वाला कल रात जब उसने पूछा कि जो है अब कैसे मन को संभालें, कल तो आप कह रहे थे कि बेटा जो है मन को संभालो, तो मैंने उसके कमेंट में, ये 8:30 बजे का कमेंट है, उसके बाद उसने पूछा, मैंने पहले कमेंट का जवाब दिया आज कविता में करता हूँ, फिर मैंने इसको भी एक रचना के रूप में दिया है। और मैं सारे सुनने वालों को जो हताश हैं उनसे यही कहूंगा कि हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। इस कोरोना से आप किसी दवा से, किसी वेंटिलेटर से, किसी उससे नहीं जीत सकते हैं, केवल आत्मबल, विश्वास और परहेज से जीत सकते हैं। और ये एक साल में आया हुआ है, तो सुनो, यह परीक्षा की घड़ी है, यह परीक्षा की घड़ी है, हम इधर डट कर खड़े हैं उधर अनहोनी अड़ी है, ये परीक्षा की घड़ी है। हम इधर डटकर खड़े हैं और उधर अनहोनी अड़ी है, ये परीक्षा की घड़ी है। एक गर मुरझा गया क्या फूल का खिलना है रुकता, एक गर मुरझा गया क्या फूल का खिलना है रुकता, जीतता है समर वो ही अंततः जो है न झुकता। एक गर मुरझा गया तो क्या फूल का खिलना है रुकता, जीतता है समर वो ही अंततः जो है न झुकता। मगर यह भी सच्चाई है कि आंख में उम्मीद भी है, आंख में उम्मीद भी है, आंसुओं की भी लड़ी है, ये प्रतीक्षा की घड़ी है। आंख में उम्मीद भी है और आंसुओं की भी लड़ी है, ये प्रतीक्षा की घड़ी है, और हमारे जो और जो हमारे यहाँ पे बहन आशा है, बेटी प्राची है, राजुल है, और सारे कवियों से कहता हूं कि हर तरफ जब हो हताशा और आहत मौन बोलो, हर तरफ जब हो हताशा
और आहत मौन बोलो, हो गए मायूस हम भी तो बचेगा कौन बोलो। हर समय कवि ने, रचनाकार ने लोगों को हिम्मत दी है, भले ही जैसा कि भी राजुल ने बताया कि कोरोना पेशेंट है, दवा खा रही है, परहेज चल रहा है, क्वारंटाइन में है, लेकिन प्रोग्राम का आया तो उसने प्रोग्राम दिया। मैं एकदम स्वस्थ हूँ आदरणीय, मैं अब एकदम स्वस्थ हूँ, ये पहले की बात है, वो क्वारंटाइन का समय भी बीत चुका है, उसके नहीं, बाद मैं ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुमको स्वस्थ करने में दवाओं से ज्यादा तुम्हारे मनोबल का, आत्मबल का हाथ था। हाँ जो है अगर सिर्फ दवा के भरोसा, हाँ हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास घर में कोई परिवार के और लोग भी नहीं थे जो तुम्हारा हिम्मत बढ़ाएं या कुछ करें, खुद ही बीमार होना है, खुद ही अपना इलाज करना है, ये जो हाँ, तो हकीम भी हम, मरीज भी हम, संभालने वाले भी हम और बीमार भी हम, तो हर तरफ जब हो हताशा और आहत मौन बोलो, हो गए मायूस हम भी तो बचेगा कौन बोलो, कौन बोलो, उठो चलकर हौसला दें, उठो चलकर हौसला दें, आस आस जो बेदम पड़ी है वो आशा मुरझाई है, आशा मरी नहीं है, तो उठो चलकर हौसला दें, आस जो बेदम पड़ी है, आज परीक्षा की घड़ी है, ये परीक्षा की घड़ी है, आंख में उम्मीद भी है, आंसुओं की भी लड़ी है, ये परीक्षा की घड़ी है। क्या बात, बहुत अच्छा। और राजू समय सीमा क्या है, दो चार मिनट चल सकते हैं कि एक घंटे में खत्म करना होता है इसको? आप दो चार मिनट और भी बिल्कुल कुछ कहना चाह रहे हो तो जरूर कहें। हाँ नहीं, मैं अब एक माहौल थोड़ा सा काफी भारी है, मैं बात वही करूंगा जो आज का विषय है, लेकिन थोड़ा अलग हटके। अंतिम रचना से पहले मैं, अभी आपने जो कहा उस पर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब बीमारी के दौरान जब जो मेरी मनस्थिति थी उससे गुजर के मुझे बस जो चंद पंक्तियां मेरे दिमाग में आई थी, तीन चार ही लाइनें थी, और कभी सिलसिलेवार मैं लिखती नहीं हूँ, जब कभी मन आता है तो ऐसे ही कुछ मन में उपज जाता है, तो उस वक्त मैंने लिखा था, जीवन समर सहज ही ना हारा जाता है, जीवन समर सहज ही ना हारा जाता है, नभपर छाया धूम्र केतु जो सूर्य पराजित नहीं हो गया, नभपर छाया धूम्र केतु जो सूर्य पराजित नहीं हो गया, तमका गरल नहीं पाऊं सोच दीप यह नहीं सो गया, तमका गरल नहीं पाऊं सोच दीप यह नहीं सो गया, दंश राव के सहकर भी चंदा मुस्काए, पूरन मासी का भी एक समय आता है, जीवन समय तो बाकी हमारी दवा और हमारा इलाज और हमारे डॉक्टर तो श्री राम है, हम लेकिन अपने मन को यही कह कह के करते रहे कि वही हमारा मनोबल, वही हमारा संबल और वही हमारा झुकना, और यही हम प्राची जी से भी कहेंगे, वही मनोबल, वही संबल, वही इलाज, वही डॉक्टर, और वो जल्द से आपको स्वस्थ करे, और अब आना चाहिए राजेश, और मैं इसमें कोई दोराय नहीं है, मेरे जो कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछली बार का वायरस चाहे जहां से फैला हो, इस बार का वायरस हम लोगों ने खुद अपनी लापरवाही से फैलाया है जी, और इसे नियंत्रित और पहले अभी याद होगा, अब क्योंकि डर लग रहा है, अभी मैं 5 दिन बाद कमरे से बाहर निकला था और बैंक गया, एटीएम गया और कुछ दवा लेके और वापस आया, पहले एक तरह आते ही सीधे बाथरूम में सारे कपड़े डिटॉल में और नहा के फिर घर में आया, आजकल बच्चे और बड़े सब बस आपस में हिल मिल रहे हैं, बाहर से आए घर में आए घर से बाहर है, कोई भी परहेज नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से वायरस ला रहे हैं, तो अगर इस वायरस को खत्म करना, अभी स्थिति और भयंकर होगी, 2 मई के बाद आप देखिएगा बहुत भयंकर स्थिति होने वाली है, अभी तो चुनाव वगैरह चलते में थोड़ी पाबंदी कम है, तो हमें ही रक्षा करनी है अपनी, हमारा दूसरा कोई मददगार नहीं है, कहते हैं ना कि ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है, ये पंक्तियां मैं आज अंत में पढ़ रहा हूं कि कुछ पल घर के नाम करो, भूले बिसरे काम करो, बातें करो बुजुर्गों से या थोड़ा आराम करो, बुजुर्गों से कोई बात नहीं करता, उनके लिए टाइम नहीं होता हमारे पास, ऑफिस घर ये काम, अब फुर्सत है तो जरा माँ बाप का हाल भी ले लो, कुछ पल घर के नाम करो, भूले बिसरे काम करो, बातें करो बुजुर्गों से
या थोड़ा आराम करो। हम साहित्यकारों को जहां भी जाते हैं हर ट्रिप में 2, 10, 20 किताबें मिलती हैं, वो अला के रखते जाते हैं, पढ़ने का समय नहीं मिलता। कुछ पढ़ी, दो पन्ना पढ़ा, लिखा वेद्य ला कर रखे हुई किताबें शुरू करो अब पढ़ना, ला कर रखे हुई किताबें शुरू करो अब पढ़ना, अब पढ़ना, झुंझलाहट में मत आपस में एक दो जैसे लड़ना, झुंझलाहट में मत आपस में एक दो जैसे लड़ना, मन बाहर जाने को मचले इसको जरा गुलाम करो, मन बाहर जाने को मचले इसको जरा गुलाम करो, बातें करो बुजुर्गों से या थोड़ा आराम करो, कुछ पल घर के नाम करो। अंतिम पंक्तियां हैं जो मैंने अभी जब पढ़ी थी प्राची तब इसमें जोड़ी है कि तब लड़ना मुश्किल होता जब दुश्मन हो अनजाना, तब लड़ना मुश्किल होता जब दुश्मन हो अनजाना, दुश्मन है जो आज सामने है जाना पहचाना, तब लड़ना मुश्किल होता जब दुश्मन हो अनजाना, दुश्मन है जो आज सामने है जाना पहचाना, थोड़ा संयम खुद पर रख दुश्मन का काम तमाम करो, थोड़ा संयम खुद पर रख दुश्मन का काम तमाम करो, बातें करो बुजुर्गों से या थोड़ा आराम करो, कुछ पल घर के नाम करो, कुछ पल घर के नाम करो, भूले बिसरे काम करो, बातें करो बुजुर्गों से या थोड़ा आराम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत अच्छी रचना पढ़ी सबने, और जिन लोगों ने सुना उन पर कमेंट बाद में किए जाएंगे। और एक बार फिर सभी रचनाकारों को जो असमय गए, वो रचनाकार हों या जैसा राजुल ने कहा कि जितने भी लोग हैं परिवार के हैं बाहर के हैं, सबको विनम्र श्रद्धांजलि कि ईश्वर उनको सद्गति दें, और बाकी लोग सबक लें और कम से कम बाहर निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस गोष्ठी को में उपस्थित रहने के लिए, और संबल बढ़ाने का ये जरिया हमेशा दूसरों के हृदय में आशा की ज्योत ऐसे ही जगाता रहे, ये कलम हमेशा सशक्त रहे ऐसे ही, और भले ही कोरोना कितनी बड़ी आफत हो लेकिन वो इसे ना हरा पाए, हम यही प्रार्थना करेंगे, किसी को भी ना हरा पाए, और ईश्वर करे कि भारतवर्ष से विश्व से कोरोना का ये संकट दूर हो। अब आज सबसे हम अनुमति ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।